Hi everyone, this is Veronica. आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्लास्टिक्स पोल्यूशन की. प्लास्टिक तो आपको पता ही है क्या है, अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. किस तरह का पोल्यूशन ये क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, माइक्रो प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आज के डिस्कशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. अब देखिए क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक का. मेंस पेपर 3 में ये टॉपिक आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में ये टॉपिक आपका कवर होता है. ऑब्जेक्टिव लेवल पे माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है आपको पता होना चाहिए. सब्जेक्टिव लेवल पे रिसेंटली पोलर रीजन पे भी इनके जो अंश हैं वो पाए गए हैं. ये प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स जो हैं पोलर रीजन में भी पाए गए हैं, तो ये एक कंसर्न की बात है. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको बताया पोलर रीजन में पाया जाना, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हम माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं. और ये आर्कटिक रीजन जो है और इवन की आल्प्स जो हैं वहाँ पे ये पाए गए हैं. और माना जाता है वहाँ पे ये कैसे गए, विंड से, हवा के ज़रिए वहाँ पे पहुँचे हैं. एक नई स्टडी आई है इसी वीक, काफ़ी चर्चा में है ये स्टडी, उसमें ये सब लिखा गया है. और इसी स्टडी के थ्रू एक अर्जेंट असेसमेंट है कि ये जो इतना बड़ा रिस्क हो रहा है, हम इनहेल कर सकते हैं इस तरह के माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए, अल्टीमेटली आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ये खतरा हो सकता है, इस पर काफ़ी ज़ोर से जो डिस्कशन है वो शुरू है. तो हम इसी के चलते आज डिस्कस करेंगे कि ये आफ्टर ऑल माइक्रो प्लास्टिक्स है क्या. तो देखिए प्लास्टिक, आपने बड़ा प्लास्टिक देखा होगा, जैसे आप पॉलीथीन, जैसे हम प्लास्टिक की बड़ी बड़ी आइटम्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के छोटे छोटे श्रेड्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं जिनकी लेंथ 5 mm से भी कम होती है. या तो देखिए इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, अगर ये बिल्कुल इतने 5 mm से छोटी इनकी लेंथ है, या तो इनको स्पेसिफिकली बनाया जाता है, जैसे कि माइक्रो बीड्स आपके मिलते हैं काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स में होते हैं. आपने बहुत इस तरह के फेस वॉश यूज़ किए होंगे, उसमें थोड़े थोड़े बीड्स होते हैं, वो आपके माइक्रो प्लास्टिक होते हैं. इस तरह से आपने टूथपेस्ट में ये बीड्स देखे हैं, ये भी आपके माइक्रो प्लास्टिक हैं. या फिर बहुत सारे इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है. स्पेशली जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं स्क्रबर्स आते हैं फेस के लिए, फेस वॉश आते हैं, उन सब में माइक्रोबीड्स होते हैं कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में. तो अल्टीमेटली कहने का यही मतलब है, या तो इनको स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है इन छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स को, या फिर जो बड़ा प्लास्टिक है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसके छोटे छोटे हिस्से बचते हैं जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं. और बहुत बार आपने स्मॉल शाइनी पार्टिकल्स के बारे में एडवर्टिजमेंट्स में सुना होगा, एड में सुना होगा कि ये कूलिंग क्रिस्टल्स हैं, स्पेशली फेस वॉश में, और जैसे मैंने टूथपेस्ट का नाम लिया इसमें. और अगर इसमें मेंशन है कि ये कूलिंग क्रिस्टल्स किसके साथ अवेलेबल हैं, पॉलीइथाइलीन, तो पॉलीइथाइलीन अगर उनमें है तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं. और बहुत बार माइक्रो बीड्स जो हैं, यहां पे मैं लिखती हूं माइक्रो बीड्स, इनको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है काफी चीजों में यूज करने के लिए. लेकिन ऑल दो ये जो माइक्रो बीड्स आप देख रहे हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है माइक्रो प्लास्टिक के. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन का कोई है तो वो है प्लास्टिक वेस्ट. कौन सा वाला प्लास्टिक वेस्ट? 90% वो वाला प्लास्टिक वेस्ट जो रिसाइकल नहीं होता. किस तरह की चीज़ें हम रिसाइकल नहीं कर पाते, आपने देखा होगा प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, बैग्स हो गए, आपके फिशिंग नेट्स हो गए, उसके बाद फूड पैक करने के लिए जो एक पॉलिथिन आता है आपका, तो इस तरह के पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वो सब रिसाइकल नहीं होता. तो उनके लार्जर पीसेस टूट के छोटे पीसेस माइक्रोप्लास्टिक्स में बन जाते हैं, और फिर ये किसी तरह से सॉइल में चले जाते हैं, वहाँ से वाटर में चले जाते हैं, और कई बार इनके टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट ये एयर में भी होते हैं, और जो हम सांस लेते हैं उससे ये हमारी बॉडी में भी एंटर करते हैं. तो अब इससे देखिए कौन क्या कंसर्न है कि हम इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों हो रहे हैं इसको लेके. ग्रोइंग कंसर्न्स हैं क्योंकि रिसर्चर्स ने देखा इनका बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो आर्कटिक स्नो में भी पाया जा रहा है. आर्कटिक स्नो में, और ये स्टडी क्लेम करती है कि ये कंटामिनेट कर रही है स्नो को, बर्फ़ को, माइक्रो प्लास्टिक्स कंटामिनेट कर रहे हैं. और भी बहुत सारी इस तरह की स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पानी हम निकालते हैं उसमें
भी पाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में, और अगर यूके की बात करें यूनाइटेड किंगडम्स की, तो वहाँ पे भी बहुत जगह लेक और रिवर्स में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। एक और स्टडी आपकी पब्लिश हुई थी जून में, वो एस्टिमेट करती है कि एवरेज ह्यूमन कितना कंज्यूम करता है, 50,000 पार्टिकल्स जो है माइक्रोप्लास्टिक के खाने में, फूड में हम हर साल एवरेज जो एक ह्यूमन है इतने पार्टिकल्स वो खा रहा है, अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है माइक्रोप्लास्टिक के। तो इसके चलते किस तरह के एक्शंस लिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, तो रीसेंट पास्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले हैं माइक्रोप्लास्टिक को लेके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट यूएस ने भी 2015 में इनका जो मैन्युफैक्चर है रिंस ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कि माइक्रोबीड्स आप यूज़ नहीं करेंगे, इसको मना कर दिया था। और फिर जहाँ मैं बता रही हूँ कि लोग किस तरह से प्लास्टिक को खा रहे हैं, अगर लोगों की बात करें तो इसके और जो ड्रिंकिंग वाटर, देखिए ये एक लार्जेस्ट सोर्स है प्लास्टिक इंजेशन का, क्योंकि प्लास्टिक पार्टिकल्स बॉटल में होंगे, टैप में होंगे, सरफेस में होंगे, ग्राउंड वाटर इसके थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और एनिमल्स भी यही काम कर रहे हैं, जो शेलफिश है वो ऑलमोस्ट 0.5 ग्राम इतना माइक्रोप्लास्टिक अपने अंदर एक वीक में ले लेती है। इनहेलेशन तो मैंने आपको बताया कि हम सांस ले रहे हैं, तो नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन जो है माइक्रोप्लास्टिक का वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है। इंडोर एयर जो है, क्योंकि लिमिटेड सर्कुलेशन होती है आजकल हमारे घरों में, एसी यूज़ कर रहे हैं, लिमिटेड सर्कुलेशन है, तो हमारे घर की हवा भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है प्लास्टिक से, बाहर की हवा से ज़्यादा। और मेजर सोर्सेज जो इनडोर बॉर्न माइक्रोप्लास्टिक्स के हैं वो हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल्स और हाउसहोल्ड डस्ट, जो हमारे घर के अंदर डस्ट होती है वो सब हम इनहेल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इंडोर पोल्यूशन और भी ज़्यादा है आउटडोर पोल्यूशन से। अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलता है, बर्डन ऑफ प्लास्टिक। इसका क्या मतलब है, लास्ट दो डिकेड्स यानी 20 सालों में वर्ल्ड ने इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है जितना आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। इसकी इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है और माना जा रहा है 4% और इंक्रीज इसमें होता रहेगा 2025 तक। ओशन जो है अराउंड 1 मीट्रिक टन प्लास्टिक जो है, हर 3 मीट्रिक टन जो फिश है उसके अंदर पाया जाएगा 2025 तक, यानी फॉर 3 मीट्रिक टन्स ऑफ फिशेस 1 मीट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक जो है वो 2025 तक आपको समुंदर में ही मिल जाएगा। और उसके बाद 1/3 जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको डंप करते हैं नेचर में, उससे हमारा लैंड पोल्यूट हो रहा है, रिवर्स पोल्यूट हो रहे हैं, सी पोल्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का मदर अर्थ पे कितना ज़्यादा बर्डन है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ के बीच में, देखिए क्या कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली आपने बहुत इस तरह के फेसबुक आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स देखी होंगी जहाँ पे दिखाया कि जानवर किस तरह से प्लास्टिक में फंस जाते हैं, राइट, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सारे प्लास्टिक डेबरी जो हैं वो उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं क्योंकि वो उनके साथ फंस जाते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर ले लेते हैं, इस वजह से उनको इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं, एब्रेशंस हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और वो मर जाते हैं। उसके बाद टॉक्सिन्स, ऐसे जहरीले पदार्थ की तरह भी ये एक्ट करता है अगर हम प्लास्टिक को खा लेते हैं, तो वो ब्रीडिंग और हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्पेशली एनिमल्स का, उसको इम्पेयर कर देता है, ख़राब कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के, माइक्रोप्लास्टिक के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। तो हम किस तरीके से इस प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सकते हैं, तो देखिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्शंस की ज़रूरत है कि प्लास्टिक को डिस्पोज करने की जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, तो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक एक्शंस हमको लेने पड़ेंगे। प्लास्टिक का यूज़ हम मिनिमम कर दें और रिसाइकलिंग, यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसको लेके रिसाइकल, कि जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकल के लिए दीजिए। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं, टोटल बैन या ज़ीरो प्लास्टिक पॉलिसी जो है वो लानी पड़ेगी। लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट्स कंट्रीज़ को भी साइन करने पड़ेंगे, स्पेशली मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए, क्योंकि इससे मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पूरी प्लास्टिक के लिए एक अलग से ट्रीटी होनी चाहिए, जैसे कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या पेरिस एग्रीमेंट है, इसी तरह से प्लास्टिक को कम करने के लिए, इससे जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी पोल्यूशन को कम करने के लिए एक अलग से ट्रीटी भी साइन की जानी चाहिए। और उसके बाद जो आपकी नेशनल कमिटमेंट्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं,
तो हम कमर्शियल लेवल और हाउस होल्ड पे भी उन प्रोटोकॉल्स के जरिए प्लास्टिक्स को रोक सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि ये आपको इस तरह से मेंस में आ सकता है। अगर सपोज है, व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स, डिस्कस द थ्रेट्स बाय देम, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू ओवरकम द थ्रेट्स पोज्ड बाय द सेम। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, आप मेंस आंसर राइटिंग में उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। पहले एक पार्ट में पूछा गया है माइक्रोप्लास्टिक्स क्या हैं, फिर आगे आपने डिस्कस करना है उनसे थ्रेट्स क्या हैं, और फिर आपने डिस्कस करना है वे फॉरवर्ड कि हम इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हैं। मेंस में जब भी आप आंसर लिखें तो एंड में जाके वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सके नहीं अब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको बताना है कि सोल्यूशन क्या है, आपको सोल्यूशन डिस्कस करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेटा भी बताया है कि कितना परसेंट आपका प्लास्टिक का बर्डन है, किस किस जगह पे है, और रीसेंट स्टडी भी हमने कोट की है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें आंसर में कोट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे कंपैरेटिवली। अब हमको सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। और देखिए, आंसर इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है कि कॉन्सेप्ट कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है और उसके साथ जुड़े हुए इश्यूज क्या हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। और उसके बाद तीसरा पार्ट क्या, सजेशंस कि आपने बताना है हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहा है डिस्कस, क्योंकि बहुत बार आपको आएगा एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब ये रहता है कि जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है वहाँ पे आपको एक तरह की डिबेट अपने आंसर में दिखानी है। जो भी चीज़ आप डिस्कस करें उसका फॉर भी बताना है और उसके अगेंस्ट भी आपको लिखना है, आपको रीजंस देने हैं दोनों चीज़ों के लिए कि ऑब्वियसली अब माइक्रोप्लास्टिक की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर एकदम से बंद हो जाएगा कितने सारे लोगों के जॉब्स भी चले जाएंगे। तो आपने उसके फॉर में भी बताना है कि एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, अगर हम इसको एकदम से बैन नहीं कर सकते, एक फेस आउट मैनर में हम इसको बैन कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में इस तरीके से डिस्कस करना है। तो आपका स्ट्रक्चर देखिए आंसर का कैसा रहेगा। सबसे पहले जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हमको वहाँ पे क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी लाइंस में आप हाईलाइट करेंगे कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरा पार्ट आता है आपका आंसर का बॉडी। अब देखिए, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रीफली आप डिस्कस करेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक से आप क्या समझते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिखिए, आप लिखेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक जो है टाइनी पार्टिकल्स हैं, मैनी सोर्सेज से आते हैं, हम बैग्स कैरी करते हैं, पेट बॉटल्स कैरी करते हैं, उससे हमारी बॉडी में भी जा रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन से ईजिली पास हो जाते हैं वाटर, इसलिए ये वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं और जो आपकी मरीन या एक्वाटिक लाइफ है उसको हार्म कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे फेस वॉश हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, या स्क्रबर की तरह अपनी बॉडी में क्लींजर्स की तरह यूज़ करते हैं। फिर आपको दो कंट्रीज़ के बारे में एक्शन में बताया मैंने कि US ने क्या लॉ बनाया है, किस तरह से बैन किया है कॉस्मेटिक में इसको, इस तरह से कैनेडा ने भी इस तरह का एक्शन लिया है। तो बॉडी में आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फिर बॉडी में ही दूसरा पार्ट आप क्या लिखेंगे कि ये किस तरह से हार्मफुल है। पहले आपने माइक्रोप्लास्टिक्स की बात की, फिर आप बात करेंगे कि किस तरह से हानिकारक है, कि किस तरह से ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव, मैंने आपको बीच में बताया कि किस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, एनिमल्स को कैसे हार्म कर रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स के लिए कैसे खतरनाक हो सकते हैं, किस तरह से टॉक्सिक हो सकते हैं क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स से लिंक होते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ इससे हो सकती हैं, ये चीज़ आप बता सकते हैं। फिर बॉडी में ही नेक्स्ट आप बताएंगे कंसर्न्स, ये आया माइक्रोप्लास्टिक, फिर आया हार्मफुल, फिर आया कंसर्न्स, कोई भी जो कंसर्न्स हमने डिस्कस किए आप वो बता सकते हैं। फिर एंड आपने कैसे करना है, वे फॉरवर्ड के साथ कि हम इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं। तो हमने क्या बात की वे फॉरवर्ड में, कि रेगुलेट करना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कितना कुछ बताया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्शंस मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेगुलेशंस होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव लेके आना चाहिए हमको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें बढ़ानी चाहिए, और एक और चीज़ मैंने आपको बताई रिसाइकलिंग, कि जो ऑलरेडी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकल करना चाहिए। और फिर आ गया कंक्लूजन,
कंक्लूजन में आप अपना लिखिए कि आप क्या कहते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं इस वे फॉरवर्ड को, वो आप पे डिपेंड करता है आगे, राइट. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से आप मेंस आंसर राइटिंग जो है वो कर सकते हैं. अब अपने हर लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कोई ना कोई क्वेश्चन मेंस का डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देखिए माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, बहुत ही होलिस्टिक लेक्चर है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन मैंने आज सिर्फ जो करंट, क्योंकि एक स्टडी आई है जिसने बताया कि आर्टिक रीजन्स में पहुँच रहे हैं, पोलर रीजन्स में पहुँच रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, उसको लेके हमने डिस्कशन किया. लेकिन अदरवाइज तो पूरा दिन भी हम माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं. प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, लेकिन हमको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्वेश्चन को समझना है कि हमें कैसे लिखना है, राइट. तो यही था हमारा आज का डिस्कशन. हाय.